वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूके ट्यूटोरियल में। और पार्ट नंबर 20 में आज हम जानेंगे बूटस्ट्रैप के बटन ग्रुप के बारे में, और शुरुआत करेंगे साइज से। तो बटन की साइज कैसे चेंज करते हैं? तो बटन की साइज चेंज करने के लिए हम बटन ग्रुप ELG, ग्रुप SM और XX का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रीवियसली वीडियो में हम देख रहे था बटन टूल बार का और बटन ग्रुप का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बस यहाँ पे हमारा क्लास असाइन कर दूंगा बटन ग्रुप LG। ये यहाँ पे हमने बटन ग्रुप LG इस डिवीजन को लगा दिया है। दूसरे डिवीजन को हम लगाएंगे बटन ग्रुप SM। ये हमने बटन ग्रुप SM यहाँ पे लगा दिया है। और लास्ट में हम लगाएंगे हमारा छोटा सा बटन ग्रुप एक्स्ट्रा स्मॉल, उसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा क्रोम ओपन कर लिया। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे सारे बटन एक ही साइज के हैं। हम इसे जैसे ही रिलोड करते हैं, देखिए पहले इसको लार्ज, सेकंड वाले को स्मॉल और लास्ट को एक्स्ट्रा स्मॉल स्टाइल अप्लाई हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटन साइज के बाद हम देखेंगे बटन अलाइन के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट हमारे बटन कैसे अलाइन होते हैं? ये होते हैं हॉरिजेंटली। अभी हमें इसे वर्टिकली अलाइन करना है, तो चलिए इसे करके देखते हैं। देखिए ये हो, अभी अभी इसे हॉरिजेंटली इसे वर्टिकली लाना है। तो ये करने के लिए बहुत आसान है। ऑलरेडी मैंने कुछ हेडर टाइप करके रखा है जिसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम सेम कोड इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया है और इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ एक क्लास इसे इसमें लगाना है, जो है बटन ग्रुप वर्टिकल। वो हम कहाँ लगाएंगे? तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे बटन को वर्टिकल, यहाँ पे हम माइनस डालेंगे और वहां पे लिखेंगे वर्टिकल। इसे मैं जल्दी से करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे डिवीजन को वर्टिकल, ये हमारे डिवीजन को वर्टिकल। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके रीलोड करते हैं तो देखिए ये बटन हमारे अलाइन हो गए वर्टिकली। बहुत इजी था, आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले, इसमें नेस्टेड बटन। तो नेस्टेड बटन क्या होता है? नेस्टेड बटन एक सब मेनू बनाता है। फॉर एग्जांपल आप एक मेनू पर क्लिक करते हैं, उसके अंदर सब मेनू जो आते हैं बस वही हमें करना है। और वो करने के लिए हम जाएंगे हमारे नोटपैड प्लस प्लस पे। यहाँ पे मैंने कुछ हेडर लिख के रखा है जिसे अनकमेंट कर रहा हूँ नेस्टेड के लिए। तो नेस्टेड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिवीजन लेंगे, डिवीजन को क्लास लगाएंगे और इस क्लास में हम डालेंगे बटन ग्रुप को। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये बटन ग्रुप को हमने यहाँ पे डाल दिया। इस बटन ग्रुप के अंदर हम एंकर एलिमेंट से एक बटन बनाते हैं। हमें इसे कहीं रिडायरेक्ट नहीं करना है, इसलिए हैशटैग यूज कर लेंगे। इसमें क्लास लगा देते हैं हमारा बटन, बटन प्राइमरी, प्राइमरी लगा दिया। ये क्लास खत्म। और इसे हम नाम देंगे मेनू। ठीक है, फटाक से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये दूसरा हो गया और इसे हम नाम देंगे मेनू टू। इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमने एक बटन बनाया, चलिए इसे एक बार देख ही लेते हैं। ये रिलोड किया, नीचे आ जाएगा नेस्टेड बटन मेनू वन मेनू टू। ठीक है, अभी इस मेनू वन और मेनू टू के बाद हमें उसे नेस्टिंग करना है। नेस्टिंग करने आए बोले तो ये जो पैरेंट है इसके अंदर ही हमें एक डिवीजन लेना होगा। तो ये इंटर मार्क, हमने यहाँ पे डिवीजन लिया। इसमें हमने एक क्लास लगा दिया और क्लास को हमने नाम दिया बटन ग्रुप। ये नेस्टिंग हो गई यहाँ पे बटन ग्रुप की। तो पेस्ट कर रहा हूं तो ये मैंने हमारे बटन के नेस्टेड बटन के अंदर हमारा और एक बटन लिख दिया है,
बटन, जिसमें हमने डेटा टॉगल दिया है ड्रॉप डाउन, और क्लास यूज किया है बटन बटन प्राइमरी और ड्रॉप डाउन टॉगल, और ये बटन का नाम है ड्रॉप डाउन। एक हमने कैरेट लिया है, पिछले वीडियो में हमने इससे डिस्कस किया है, और ये अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें लिस्ट एलआई टैग के साथ हमने ये एक्शन वन, एक्शन टू और एक्शन थ्री ये बटन दिया है। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम हमारा क्रोम ओपन करके इसे रीलोड करते हैं। जैसे हमने रीलोड किया तो ये हमारा ड्रॉप डाउन का बटन यहाँ पे आ गया। इसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक्शन वन, एक्शन टू और एक्शन थ्री ये आ गया। ये ड्रॉप डाउन का बटन हम साइड में भी ला सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये मेनू वन लिया है, मेनू टू लिया है, पर यहाँ पे हमने क्लास लिखते हुए यन भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके इसे रीलोड कर लेते हैं। देखिए रीलोड करते ही हमारा बटन बाजू में आ गया और ड्रॉप डाउन वन टू थ्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड बटन के बाद हम जानेंगे जस्टिफाइड बटन। तो जस्टिफाइड बटन क्या होता है, जो पैरेंट क्लास होता है उसी साइज का वो बटन बन जाता है। बाय डिफॉल्ट उसकी जो साइज होती है वर्टिकली बढ़ती है। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो इसे मैं अनकमेंट करने जा रहा हूँ। ये अनकमेंट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिवीजन लेंगे, इसे क्लास असाइन करेंगे और उस क्लास को नाम देंगे हम बटन ग्रुप। बटन ग्रुप देने के बाद इसके अंदर हमें कुछ बटन डालने होंगे। तो मैं कुछ बटन यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने ये दो बटन यहाँ से ले लिए हैं। अभी समझने के लिए मैं थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये बटन प्राइमरी से डेंजर, ठीक है, और बटन ले लेते हैं। इसे पेस्ट कर दिया है। इसको हम कर देते हैं इन्फो। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिए हमारे जितने भी बटन से जो उसके पेरेंट्स है, यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, कॉलम LG6, तो उस पेरेंट के हिसाब से उतने बड़े नहीं हो रहे, तो अब हम उसे बड़े करना जा रहे हैं। जैसे हमने ये रीलोड कर दिया तो देखिए जस्टिफाइड बटन जो है, ये जो बटन से इसके साथ जस्टिफाई नहीं हो रहे, उसके साथ अलाइन नहीं हो रहे, तो उसे अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे जो हमें मदद करेगा। वो क्लास है बटन ग्रुप जस्टिफाइड। क्लास लगाने के बाद उसे रीलोड करना मत भूलिए। हाँ, सेव करना भी मत भूलिए। ये सेव कर लिया हमने। तो देखिए हमारा जो पेरेंट क्लास था कॉलम LG6, उसके मुताबिक भी ये बटन बड़े हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारा कोड आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोड में दो नए लाइंस ऐड हो चुके हैं, जो है एक jQuery MIN और Bootstrap MIN JS। ये हमारा ये जो ड्रॉप डाउन है इसके लिए मदद करते हैं। तो ये आप जब भी प्रैक्टिस करें तो ये दो लाइन होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।